नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम राज हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की पहली क्लास। और इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए जो मुख्य बात होती है वो यह होती है, तो पढ़ी तो सब ने इंग्लिश, फिर हमसे इंग्लिश आती क्यों नहीं? क्योंकि हमें तरीका नहीं पता कि इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए, फिर क्या उसके बाद पढ़ना चाहिए, फिर क्या उसके बाद पढ़ना चाहिए? तो मैं बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक और सीक्वेंस वाइज एक सही तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। और इस तरीके से अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको इंग्लिश सरल लगने लगेगी और आप इंग्लिश निश्चित तौर पर सीखेंगे। और ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, चार चीज़ें लिखी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में इन चार चीज़ों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। यही चार चीज़ें हैं। अगर आपसे ये चार चीज़ें आती हैं, आपको सब्जेक्ट आता है, आपको हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो इंग्लिश आपको ऐसे लगे कि चुटकियों में सीख जाओगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमें यही पता नहीं होता कि सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलेगी, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है। सब्जेक्ट, अगर यदि आपको सब्जेक्ट सीखना है तो कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने लिखा है नाउन और प्रोनाउन पढ़ोगे तभी तो सब्जेक्ट सीखोगे। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब सीखनी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलती भाई? हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलती? टेंसेस में दी रहती है। आपने पढ़ा ना टेंस? सबने पढ़े हैं, सभी पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंस में होती है। इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड, हैव बीन, हैज, ये क्या है? यही तो हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंस। और 13 क्या होते हैं? मॉडल्स। अच्छा, हर टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 2। कितनी होती है? 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे एक होता है सिंपल कंटीन्यूअस, उसमें होती है तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, बाकी सब में 2-2 होती है। एक में एक भी होती है, वो हैड बीन अकेली आती है। लेकिन ज़्यादातर में 10 ऐसे, मतलब 8 टेंस हैं जिनमें 2-2 हेल्पिंग वर्ब होती है। तो 16 वो लगा लो, लगभग 4 लगा लो, तो 20 ये हो गई, 13 ये हो गई, कितनी हो गई भाई? 33 हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये होती है अदर स्ट्रक्चर। अदर स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, मैंने बोला आई हैव अ पेन। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको कहीं लिखा मिलेगा क्या? टेंस में पढ़ा आज तक? नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ा? मॉडल्स में पढ़ा। कैसे मॉडल्स है? नहीं है। यही तो होते हैं अदर स्ट्रक्चर। मेरे पास एक पेन है, दिस इज अ बुक। क्या है? दिस इज अ बुक। ये कहीं आपने देखा टेंस में? नहीं देखा। ये ना तो मॉडल्स में आता है ना टेंस में आता है, इसलिए अदर स्ट्रक्चर में आता है। मैंने बोला टी एच या देयर आर, मैंने बोला देयर इज अ किंग का मतलब होता है एक राजा है। ये आपको ना तो टेंस में मिलेगा ना कहीं आपको किस में मिलेगा? मॉडल्स में मिलेगा। तो फिर ऐसे वाक्य हम कहाँ जोड़े? तो ये हम किस में सम्मिलित कर लेते हैं? अदर स्ट्रक्चर में। किस में? अदर स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। बड़े ही सरल से वाक्य होते हैं, ज़्यादातर बोलने में उपयोग होते हैं। जैसे एक बात और होता है, मैं अपने बाल कटवा रहा था तो बोलते हैं आई वॉज गेटिंग कट माई हेयर बाय बार बार मैं अपने बाल कटवा रहा था नाई से। ये कहाँ मिलेगा आपको? टेंस से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ना ही आपको मॉडल से मिलेगा। ये मिलेगा आपको कहाँ? अदर स्ट्रक्चर में। इनको अलग से डाल दिया जाता है। किस में? इसमें, अदर स्ट्रक्चर में। ये तो मैंने बात की किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। कि हेल्पिंग वर्ब हमें अगर सीखनी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ऐसी सहायक क्रिया, उसका नाम ही सहायक क्रिया। ऐसी सहायक क्रिया भाई मेरे, जो किसकी मदद करे, जो मदद करती है किसकी? इस कर्ता की। जो मदद करती है इस कर्ता की और बताती है कि कर्ता किस काल में काम कर रहा है, भूतकाल में है कि भविष्य काल में है कि वर्तमान में है। 2 घंटे पहले की बात हो रही कि अभी की बात हो रही कि 2 घंटे बाद की बात होगी, ये कौन बताता है भाई? यही तो हेल्पिंग वर्ब बताती है। इन्हीं से तो हमें पता चलता है कि हमारा काम हम फिनिश कर चुके। जैसे हम टेंस पढ़ते तो क्या? चुका है, चुकी है, चुके थे, रहा होगा, रही होगी, था, थी, थे। ये कहाँ से आता भाई? ये हेल्पिंग वर्ब जो अलग अलग टेंस की अलग अलग यूज होती है, इसे तो पता चलता है कि कौन से टेंस की बात हो रही, कौन से काल की बात हो रही, काम अभी चल रहा कि हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए इनको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ये मदद करती है हमें ये जानने में।
इसके भी पहले हमने क्या किसकी बात करने वाले थे, ये छूट गया, अब बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है भाई मेरे, इसे बोलते हैं हम क्या, इसकी हिंदी बस पता हो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, कर्ता। क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, क्या करने वाला, क्या करने वाला, ये कर्म करने वाला, क्या करने वाला, ये कर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये करने वाला। कैसे करने वाला? क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी करता हो कर्म करने के लिए, देखो कर्ता कर्म करने के लिए क्रिया करता है, यही तो बात कहलाता है। कर्ता कर्म करने के लिए क्रिया करता है, यही तो वाक्य है। सारे वाक्य ऐसे ही होते हैं, एक कर्ता होगा जो कोई कर्म करेगा, कर्म से मतलब होता उद्देश्य, कोई व्यक्ति काम करता किसी उद्देश्य के लिए तो करता है। एक कर्ता है जो कर्म कर रहा है क्रिया के द्वारा, यही वाक्य है, तीन चीजें ही तो होती। अच्छा, अब वो जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो कर्म किया जा रहा है क्रिया के द्वारा, वो कब हो गया था कि हो रहा है कि होगा कि करेगा, कैसे करेगा, ये बताएगा कौन? हेल्पिंग वर्ब। ये चार चीजें तो होती हैं इंग्लिश में, यदि ये चार चीजें आपको आती हैं तो इंग्लिश आपको ऐसी लगेगी बिल्कुल सरल। अच्छा, क्या करना पड़ेगा हमें कि हम ये कर्ता सीख जाए? कैसे पहचाने वाक्य में कर्ता? मेरा भाई बहुत सरल है, यदि मैंने लिखा कि राम इज, एक सरल सरल सा सेंटेंस लिखता हूँ जो ज्यादातर लोगों को पता है, पढ़ चुके, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जाता है। कौन जा रहा बाजार भाई मेरे? राम। कौन जा रहा? राम। यदि आपसे कोई पूछे कि बाजार कौन जा रहा, तो आप उत्तर में क्या दोगे? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हो जाएगा कर्ता। इतना सरल है, कर्ता मतलब करने वाला। जहाँ आपको कौन, WHO मतलब कौन, कौन का उत्तर जो मिलता है वही कर्ता होता है। दूसरी बात क्या, इसी सेंटेंस में मैं कैसे पहचानूं भाई मेरे कि मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया बेसिकली क्या होता है? ये इधर देखो, मैंने लिखा है लगभग 400 होती है, कितनी होती है? होती तो अनगिनत है, इतनी सारी होती कि याद करते करते जिंदगी निकल जाएगी, मुख्य क्रिया खत्म नहीं होगी, लेकिन हमें पढ़नी है कितनी, लगभग 400। यदि इतनी भी आपसे आ गई तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंग्लिश बोली जाती है, जो हमारी पहली से लेकर 12वीं तक की किताब में जो इंग्लिश होती है, जो वाक्य होते हैं जो उनमें मुख्य क्रियाएं लिखी होती हैं, उनकी आप हिंदी करना सीख जाओगे, आपको बिल्कुल सरल लगेगी। जो हमारे ऐसे होते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जिनमें मुख्य क्रियाएं दी रहती हैं, वो सब कवर हो जाएंगे इन 400 में, और ये आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरे वीडियो बस देखिए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। और कैसे पहचानें मुख्य? देखो, हिंदी में लास्ट में ना मिलेगा, क्या मिलेगा? ना। कैसे मिलेगा? मैंने बोला आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना चिल्लाना, मारना पीटना, धोना ठहरना, उठाना जगना, सोना रोना। भाई मेरे इतने सारे शब्द बोले मैंने, इन सब में लास्ट में क्या मिला? ना। क्या मिला? ना। यही तो मुख्य क्रिया है भाई मेरे। सोना स्लीप, उठना राइज, जागना वेक अप, क्या है भाई ये? यही तो मुख्य क्रिया है। आना कम, जाना गो, देखना सी, पीटना बीट, क्या है? यही तो मुख्य क्रिया है, जिनमें लास्ट में क्या मिलेगा? ना। एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा। ये जो कर्म होता है और ये जो मुख्य क्रिया होती है, लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म क्या है और मुख्य क्रिया क्या है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते, कर्म में और मुख्य क्रिया में। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि जो कर्म होता है उसी में मुख्य क्रिया छुपी रहती है। ये देखो, मैं इससे आपको बताया, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम का उद्देश्य क्या है? कर्म क्या है? बाजार जाना। राम क्या चाहता है? कि वो बाजार पहुंच जाए। बाजार जाना, ये उसका उद्देश्य है। ये देखो, बाजार जाना, ये जाना गोइंग और बाजार, ये दोनों आ गए कायम उद्देश्य में आ गए। मैंने क्या बोला? उद्देश्य में ही मुख्य क्रिया छुपी रहती है। तो बाजार हम लिख देते हैं किसमें? उद्देश्य में, और जाना
जाने की क्रिया तो करनी पड़ेगी, तभी तो बाजार पहुंचोगे। मैंने बोला मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, खाना मतलब, खाना मतलब फूड। यदि मैं फूड खाऊंगा, मेरा उद्देश्य है कि मुझे खाना खाना है, फूड खाना है, भाई फूड खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खाने को ऐसे हाथ में लेना पड़ेगा, उठा के क्रिया करनी पड़ेगी, मुंह में खाना निवाला डालना पड़ेगा, तभी तो खाना अंदर जाएगा, तभी तो खा पाऊंगा। तो खाना खाना ये मेरा उद्देश्य है, लेकिन एक खाना का मतलब है क्या फूड, क्या है एक खाना का मतलब है फूड, और एक खाना का मतलब क्या है ए वाला ईट, ये दोनों ही उद्देश्य में आ जाते हैं। लेकिन हम उद्देश्य में लिखेंगे केवल खाए को, फूड को, और इसको किसको लिखेंगे, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये हो गया उद्देश्य। उद्देश्य में ही मुख्य क्रिया छुपी रहती है, बस इतनी सी चार चीजें हैं। अगर इन चार चीजों को आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, पकड़ लिया होगा, तो ये मान के चलिए आप कि इंग्लिश आपको बहुत सरल लगने लगेगी। क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यही मेरा आज का ये वीडियो में जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि ये चार चीजें मैं आपको समझा पाऊँ। कोई उम्मीद है आपको ये चार चीजें अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कोई मजेदार चीज लेके आऊंगा। मैं बात करूंगा नाउन की, नाउन कितने प्रकार की होती है, नाउन को कैसे पढ़ें, कैसे समझें कि तब हमें याद रहे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्ता, फिर पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर पढ़ेंगे मेन वर्ब, फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ये चार चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश सरल लगने लगेगी। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नरेशन, प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जीरंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बाद की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो यही पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले ये तो सीख लो, बाद में हम इन सब चीज़ की बात करेंगे दोस्तों। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।